नमस्कार, मैं जयप्रकाश, पत्रिका उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आज मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें कई घोषणाएं ऐसी थी जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई, चाहे वो किसानों को नगद राहत देने की बात हो या फिर मध्यम वर्ग के लिए जो टैक्स स्लैब है उसे दोगुना कर दिया गया हो। हम मुरादाबाद में हैं, हमारे साथ तमाम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, आम नागरिक भी हैं। हम उनसे एक एक कर जानेंगे कि वो केंद्र सरकार के इस 2019 के अंतरिम बजट को किस तरीके से देखते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, पहले अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं। मैं नितिन रस्तोगी, मंत्री श्री सराफा कमेटी, मंडी चौक, मुरादाबाद। मेरे हिसाब से केंद्र सरकार का बजट बहुत लाजवाब बजट है। ये उनकी नीतियों का ही परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन सरकार को प्राप्त हुआ, और वो जो टैक्स कलेक्शन उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्होंने एक आम नागरिकों को और किसानों को उनको लाभान्वित करने के लिए वो टैक्स कलेक्शन को दे दिया है। ये लाजवाब बजट है, हम सबको इसको स्वागत करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैभव अग्रवाल है जी। पेशे से मैं एक्सपोर्टर हूँ जी। और जो आज अंतरिम बजट पास निकाला गया है सरकार के द्वारा, उसका बहुत बहुत स्वागत है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने पूरे देश को ध्यान में रखते हुए निकाली हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से सभी चीज़ों को बहुमत से पास हो जाएगा ये, और सर पूरे देश के लिए बहुत अच्छा बजट है ये जी। सर, आप अपना नाम? मैं सी अमित अग्रवाल हूँ, और मैं इस बजट की तारीफ करता हूँ। सभी चीज़ों को ध्यान रखकर बैलेंस बजट है, और जो लिमिट बढ़ी है 5 लाख रुपये तक की, उससे पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, और नया नंबर एक का इनकम जो जनरेट होगी उससे नेचुरली इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा जी। सर, आप बता दीजिए अपना नाम और इस बजट को किस। मेरा नाम अंतरिक्ष अग्रवाल है, पेशे से मैं बिजनेसमैन भी हूँ, और इस बार सरकार ने जो बजट की घोषणा की है ये बहुत फलीभूत होगा, ये पब्लिक के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और ख़ास तौर से किसान भाइयों के लिए। इस बार जितनी आशा थी सरकार से, उससे कहीं ज़्यादा सरकार ने अपने आप को जाहिर किया है जनता के आगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को और आने वाले सभी इस बजट के लिए जी, और सभी लोगों को जी। अभिनव अग्रवाल जी। सर, बतौर एक्सपर्ट देखिए, कितने नंबर देंगे पहले तो 10 में से मोदी जी को। देखिए, इंट्रिम बजट जिसे कहा जा रहा था, और ये अपेक्षा लग रही थी कि इसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाले, क्योंकि जुलाई में फिर से हमें एक बजट देखना है जी। लेकिन इंट्रिम बजट को देखते हुए पीयूष गोयल जी ने जो ये बजट प्रेजेंट करा है, ये काबिले तारीफ है। और इंट्रिम बजट होने के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को देने की कोशिश करी है। जैसे 5 लाख तक की जो इनकम की बात कही जा रही थी, कि ज़्यादातर लोग हम देखते थे कि वो 2.5 लाख तक, 3 लाख तक अपनी इनकम रोक लेते थे। इनकम ज़्यादा होती थी लेकिन रिटर्न कम की भरते थे ताकि टैक्स ना देना पड़े, तो उससे उन्हें अब इंक्रेजमेंट मिलेगा, लोग अपनी टैक्स रिटर्न ज़्यादा भरेंगी। जैसे टैक्स बेस पहले ही गवर्नमेंट ने कहा कि 80% पहले ही भर चुका है पिछले 5 सालों में, तो उम्मीद है कि इस टैक्स बेस को और बढ़ाया जाएगा। और एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जब हमारा एक मार्गदर्शन चल रहा है, एक मूव चल रहा है, उसमें बहुत बहुत सहायता मिलेगी जी। धन्यवाद। ये तमाम लोग थे जो अपने अपने तरीके के, अपने अपने इंडस्ट्री के लोग एक्सपर्ट हैं, जो बजट को अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे किसानों ने बताया कि कुछ ने सही बताया, कुछ ने खराब। फिलहाल मोदी सरकार के इस बजट को जनता कितना उन्हें चुनावों में सहमत होकर वोट देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बजट के साथ साथ पत्रिका उत्तर प्रदेश पर तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। जयप्रकाश, पत्रिका टीवी, मुरादाबाद।